मैंने भी आपको गाली नहीं दिया, तू उधर से क्या बोला, पंजाबी से बात कर, होता कौन है तू? हाँ मैं कुछ नहीं हूँ। हाँ तो फिर तो चुप रहे, बस डिफरेंस ये है कि आपने आपके दारू पी के आया है, तू दारू पी के आया है, बकरी मत कर इधर। नहीं नहीं कुछ नहीं, वो दिया हुआ, चल छोड़ो। अरे प्रवीण भाई, छोड़ भाई, तुम लोगों को समझता नहीं, तुम लोग इंडियन हो यार। सही बात है, आप हमारे गेस्ट हो यार, शांति से ना प्रैक्टिस करते रहते हो ना खेलते रहते हो। कौन है बाप, कौन है बाप, कौन है बाप, बाप बाप कौन है? तो जा है तो क्या हो गया? स्लेजिंग मैन, दे शुड हैव अ पेशेंस फॉर दैट। When you say that sort of thing, we accept it. But when we say that, why can't they? A match in 1997 was one such family affair. Just wonder if they're getting a little too involved. It's one of the players involved there that looks like Inzamam Ul Haq has gone into the crowd. Now that's very, very unusual. During the limited overs Sahara Cup, the Pakistan player Inzamam Ul Haq was abused by Indian fans. Hey, that is very, very ugly. I'm afraid it's not looking good at all. So he decided on some rough justice of his own. I actually think at that point, India and Pakistan playing cricket were actually dividing people rather than bringing them together. Well, I can't believe that he's gone in there unless somebody has provoked him. Somebody has said something or thrown something at him.
ఏదో రెండు మీద నిలిచినాడని వాడు వస్తున్నాడు. क्रिकेट के सितारों को पाकिस्तान में सेलिब्रिटीज का दर्जा हासिल है और उनके मद्दा उन पर परवानों की तरह लपकते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ परवाने ऐसे भी होते हैं जिन्हें देखकर उनके सितारों को खुशी के बजाय गुस्सा आ जाता है। ऐसा ही कुछ कराची में कुरंगी के ग्राउंड में हुआ। मैच हो रहा था मुल्क की सबसे महंगी चैंपियंस लीग का, जिसमें अलनूर जिमखाना और मलीर जिमखाना मद्दे मुकाबल थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान यूनुस खान मलीर जिमखाना की क्यादत कर रहे थे। ग्राउंड में अपने स्टार यूनुस खान की एक झलक देखने के लिए तमाशाई भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। ग्राउंड में सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम ना होने की वजह से दो नाखुशगवार वाकयात पेश आए। पहला वाकया उस वक्त पेश आया जब यूनुस खान बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे थे। उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए तमाशाइयों ने उन्हें घेर लिया। बाउंड्री लाइन से जान छुड़ाकर यूनुस खान ने विकेट के दरमियान फील्डिंग का फैसला किया। कुछ ओवर बाद तमाशाई ग्राउंड में भी दाखिल होने में कामयाब हो गए। इस बार तो ग्राउंड में बैठे तमाम तमाशाई ही यूनुस खान की तरफ दौड़ उठे। तमाशाई अपने हीरो यूनुस खान से सिर्फ हाथ मिला रहे थे। जोशीले और मनचले तमाशाई यूनुस खान से अपनी मोहब्बतों का इजहार करना चाहते थे, लेकिन एक तमाशाई जब उनकी जानिब लपकता हुआ आया तो पांव फिसलने की वजह से खुद को कंट्रोल में ना रख सका और गिरते गिरते अपने साथ स्टार यूनुस खान को भी ले गिरा। धक्कमपेल में कई और तमाशाई भी यूनुस खान पर गिर पड़े। उसके बाद यूनुस खान को ऐसा गुस्सा आया कि वो तमाशाई का हाथ पकड़कर उसे ड्रेसिंग रूम ले जाने लगे। तमाशाई ने मजामत भी की, लेकिन यूनुस खान का गुस्सा किसी भी सूरत कम नहीं हो रहा था। वो जबरदस्ती तमाशाई को घसीटते हुए ड्रेसिंग रूम ले गए, जहां उसकी खूब पिटाई की। ड्रेसिंग रूम में बैठे साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने मामला संभाला। बहस ना करो जरा, ठीक है? समझ गए ना, आपको आना होता तो तरीके से, ठीक है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहस ना करो जरा, ठीक है?